जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का पाठ 2 उदासीन अभिक्रिया। ये चैप्टर का नाम देखा जाए तो अम्ल और क्षार कामालवण से लिया गया। ये चैप्टर नंबर 2 ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जितना भी डिफिनेशन वगैरह लिया गया है सब एकदम से इजी लैंग्वेज में प्रयोग करने की कोशिश की गई है। ठीक, तो सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या, परिभाषा समझते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे इसे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखा परिभाषा सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ। जब अम्ल तथा क्षारक का परिक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिमाण स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ऐसे सिंपल सा लिखिएगा, इतना बड़ा है, ये बुक की है। ठीक है, तो आप लिखिएगा जब कभी भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब कभी भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, क्या, जब अम्ल कभी क्षार से अभिक्रिया करता है या क्षार कभी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप हमें क्या होता है, लवण तथा जल की प्राप्ति होती है। तो उससे क्या हम क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कभी भी कोई भी अम्ल कोई भी क्षार हो, जब रिएक्शन करेंगे तो उसमें क्या बनेंगे, लवण तथा जल बनेंगे। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, लवण देखा जाए तो ये भी इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है, इसलिए उदासीन है। जल कभी भी देखा जाए तो ये भी तुम्हारा पीएच कितना होता है, 7 होता है, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, उदासीन है। तो ये दोनों उदासीन है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एक प्यारा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ से हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रा, यहाँ पर हाइड्रा होना चाहिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और HCl इसे सोडियम क्लोराइड, सॉरी HCl है ना, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक तरह का देखा जाए तो अम्ल है। ठीक, नहीं, ये तुम्हारा देखा जाए तो क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हुआ, क्षार है। ठीक, और ये HCl तुम्हारा क्या हो गया, ये अम्ल है। क्या आ गया, तुम्हारा अम्ल है। ठीक, जब अम्ल व क्षार कभी भी अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास एक लवण बनाते हैं, ये तुम्हारा NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये तुम्हारे बगल में क्या निकलता है, जल निकलता है। दोबारा सुनिए, कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारे पास लवण बनता तथा जल बन के तैयार हो जाता है। ठीक, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कब हमारा प्रबल क्षार बनेगा, कब प्रबल लवण बनेगा, तो इसके लिए 2-3 चीज़ें यहाँ दे रखी है। देखिए, अब यहाँ पर लवण बना तो कौन सा लवण बनेगा, अम्ली लवण बनेगा कि क्षारी लवण बनेगा कि उदासीन लवण बनेगा, तो यहाँ दे रखा है। जब कभी भी प्रबल अम्ल, क्या प्रबल मतलब समझते, स्ट्रांग समझना, स्ट्रांग मतलब जो जबर होता है। ठीक है, स्ट्रांग, कभी भी जब स्ट्रांग अम्ल, देखिए स्ट्रांग अम्ल मतलब प्रबल अम्ल, कभी दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता तो अम्ली लवण बनता। अब क्यों कहेंगे अम्ली लवण बनता, क्योंकि अम्ल क्या है, जबर। बताओ दो आदमी लड़ गए तो बताओ कौन जीतेगा, जो जबर रहेगा वही जीतेगा ना। तो ये अम्ल क्या है, जबर है यानी प्रबल है, तो कौन सा लवण बना, अम्ली लवण बना, पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, यदि दुर्बल अम्ल रहेगा प्रबल क्षार रहेगा। अब बताइए, क्षार देखा जाए तो क्या हो गया, प्रबल हो गया, क्षार मतलब स्ट्रांग हो गया, जबर हो गया। ठीक, तो ये कौन सा बनाएगा, क्षारी लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, क्षारी लवण बनाएगा, जो आपके सामने ये है। दूसरी चीजें क्या हो गई, प्रबल अम्ल कभी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है, प्रबल अम्ल कभी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है। बताओ दोनों, ये भी जबर ये भी जबर, अब दो पहलवान हो गए हैं, अखाड़े में उतर गए हैं। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो क्या होगा, दोनों जबर जबर हैं, न तो उसे वो पटक पाएगा न उसे वो पटक पाएगा। तो उस समय जो कुश्ती जो रहेगी तो क्या हो जाएगी, छोड़ानी पड़ेगी, कहेंगे समय समाप्त हो गया,
छोड़ जाइए, कट्टी खत्म। ठीक, तो परबल आम्ल परबल क्षार कभी भी अब क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उदासीन लवण बनाते हैं। इतने को हम क्या बोलते हैं? उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या? कौन सी? उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।